Hey guys, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रैंक 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर मांगा बेस्ड ऑन देयर इनक्रेडिबल पावर्स. उनकी पावर कितनी ज्यादा है उनके बेसिस पे मैं इन सबको रैंक करूंगा. एंड बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑल द लेटेस्ट मांगा अपडेट और ऑल द लेटेस्ट वीडियो. सो सब्सक्राइब कर लो. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. 10th पोजिशन में मैंने दो कैरेक्टर्स को रखा है. एंड ये दोनों कैरेक्टर्स ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक के पास तो डार्क मैजिक है एंड एक के पास है फायर मैजिक. आप लोग समझ चुके हो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये दोनों कैरेक्टर्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसके ऊपर ये दोनों कैरेक्टर्स ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है ब्लैक क्लोवर में. और भी फेवरेट कैरेक्टर्स है बट ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी के बारे में एंड मेरो लियोना के बारे में. ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है. एंड मैंने इस लिस्ट में इन दोनों को एक साथ रखा बिकॉज इन दोनों को कंपेयर मैं तो नहीं कर सकता. एंड हमने ब्लैक क्लोवर मांगा में देखा भी है कि मेरोलियोना कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये जिसके साथ फाइट करती है ये उसके लेवल को टच कर जाती है. ये कैरेक्टर अपनी मैजिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करती है. ये कैरेक्टर अपनी मैजिक के साथ ह्यूमन बाउंड्रीज को पुश करती है. ये एकदम माना के क्लोज पहुंच जाती है. That's why ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. एंड अगर हम लोग बात कर ले कैप्टन यामी के बारे में तो इनके बारे में क्या बोलना, इनके पास डार्क मैजिक है. एंड अगर आपको पता नहीं तो बता दूं ज्यादातर सुप्रीम लेवल के डेविल्स को ऐसे कैसे कोई मैजिक टच नहीं कर सकता या फिर उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता. उनको अगर आपको मानना है तो आपके पास एंटी मैजिक होना चाहिए या फिर डार्क मैजिक. एंड हमारे कैप्टन यामी के पास है डार्क मैजिक. एंड कैप्टन यामी इसका यूज बहुत ही ज्यादा बढ़िया से करते हैं इसलिए ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. और बाकी तो आप लोग समझ चुके हो कि मैंने इन दोनों को इस लिस्ट में एक साथ क्यों रखा है 10th पोजीशन में. नाउ कमिंग इन एट नंबर 9. इस पोजीशन में दो कैरेक्टर्स है मतलब दो डेविल्स है. ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इनका नाम है लिलिथ एंड नमः. ये दोनों सुप्रीम डेविल्स है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं तो भूल गया किसके पास कैसा मैजिक था. मतलब एक के पास फायर मैजिक एंड एक के पास आइस वाला मैजिक था पर किसके पास कौन सा था वो मैं भूल चुका हूँ. पर इन दोनों के पास ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल मैजिक है. एंड ये दोनों कुछ भी जला सकते है या फिर कुछ भी फ्रीज कर सकते है. एंड हमने ब्लैक क्लोवर मांगा में इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को देखा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड उसको लास्ट में पेल दिया गया था वो अलग बात है पर इनका मैजिक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है. एंड फिजिकली भी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये सभी डेविल्स है एंड सुप्रीम लेवल के डेविल्स. एंड 8th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है लूसीफेरोस. ये कैरेक्टर भी एक सुप्रीम डेविल है पर ये 3 सुप्रीम डेविल्स में से नहीं है. ये उनका सपोर्टर है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसके बारे में ज्यादातर हमें बताया नहीं गया है. हम लोगों ने इस डेविल को पहली बार देखा था जब ब्लैक वुल्फ का वाइस कैप्टन नेट इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करने गया था पर उसकी वहीं पे हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसकी प्रेजेंस से ही उसकी गांड फट गई थी. वो हिल भी नहीं पा रहा था. एंड हमें ये पता चला है कि इस डेविल के पास डार्क मैजिक है एंड ये उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करता है. हमने देखा ही है डार्क मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड अगर ये एक डेविल के पास हो तो वो गांड फाड़ देगा सबकी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमें लूसीफेरोस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. तो अभी 7th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है मैगिकुला. मैगिकुला एक सुप्रीम डेविल है. जब तीनों डेविल्स में से एक डेविल निकल गया था अंडरवर्ल्ड से आस्था रोड मतलब वहाँ से उसका नामोनिशन मिट गया था या फिर वो हमारे अर्थ में आ चुका था तब उसकी जगह लेती है मैगिकुला. उन तीनों डेविल्स में से ये सबसे ज़्यादा वीक आप लोग बोल सकते हो बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. इसके पास कर्स मैजिक है जो एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैजिक है. आप बोल लो ब्रोकन मैजिक. आपके पास कर्स मैजिक है देन यू कैन डू एनीथिंग. जस्ट आपको अपने मैजिक को यूज करने का तरीका आना चाहिए आप इसको कैसे यूज करते हो. एंड हम लोगों ने देखा है मांगा में मैगिकुला इसको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करती है पर एंड में जाके पिलवा जाती है. एंड मैगिकुला के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना हो तो ये कर्स को मैनिपुलेट कर सकती है या फिर नए नए कर्स क्रिएट कर सकती है. एंड इस वर्ल्ड में जितने भी कर्स है उन सबकी क्वीन है मैगिकुला. मतलब सभी कर्स के पीछे मैगिकुला का हाथ है एंड इसलिए इसको क्वीन ऑफ कर्स बोला जाता है. बाकी आपको पता चल चुका है इसके मैजिक के हिसाब से ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब 6th पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसका नाम है ब्लिजेबब. ये भी एक सुप्रीम लेवल का डेविल है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप लोग कह सकते हो ब्लिजेबब एंड लूसीफेरो के पावर लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा
लुसिफेरो इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तीन सुप्रीम डेविल्स में से ये डेविल एक है एंड हमें ये पता है कि इस डेविल के पास स्पेशल मैजिक है जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैजिक है। इसके साथ साथ ये एक डेविल है, इसकी वजह से इसके पास बहुत ही ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ माना है, मतलब मैजिक की कमी नहीं पड़ेगी इस बंदे के पास। एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है फिजिकली भी। आपने देखा है कि लुसिफेरो कितना ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली, देन ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इसको भी हमें ज्यादा दिखाया नहीं गया है मांगा में, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे क्या किसी को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फिफ्थ पोजिशन में वी हैव पैलेडिन्स। ये एक रेस है जिसे लुसियस ने क्रिएट किया है एंड इनके पास इनक्रेडिबल मैजिक पावर्स है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमने देखा है आस्था को कैसे पेला था सिस्टर लिली ने, वैसे ही ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हमने पैलेडिन्स में देखा था मॉर्गन का भी एक पैलेडिन है जहाँ पे मॉर्गन ने लाइट मैजिक को एंड डार्क मैजिक को एक साथ यूज किया था। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पैलेडिन्स के पास अपने एक यूनिक एबिलिटी है जो उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देती है एंड इनको इसलिए मैंने फिफ्थ पोजिशन में रखा है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये नीचे हो सकता था ये पैलेडिन, मैं भी सोच रहा था इसे नीचे रख दूं, बट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, बट तुम लोग इस लिस्ट को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फोर्थ पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो अपना मेन कैरेक्टर नहीं, उसका दोस्त यूनो विथ स्टार मैजिक एंड विंड मैजिक। यूनो इज ए स्ट्रांग कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैंने इसको फोर्थ स्पॉट में रखा है बिकॉज ऑफ हिज विंड मैजिक एंड स्टार मैजिक एंड इन दोनों मैजिक को यूनो कंबाइन करके बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करता है। एंड यूनो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप एज्यूम कर सकते हो नीचे वाले जो कैरेक्टर्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सबको यूनो हरा सकता है। नहीं। वन वर्सेस वन, आप लोग ये समझ रहे हो ना, एक साथ अगर ये सभी आ जाए तो यूनो को पेल के घुसेड़ देंगे। वन बी वन हुआ तो मैं कह सकता हूँ यूनो इन सबको हरा सकता है। ये बात अलग है कि यूनो मतलब उसका उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर बने, ही इज ब्लेस्ड विथ माना। एंड हम लोगों ने मांगा में भी देखा है कि यूनो कितना ज्यादा स्ट्रांग है एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनो अपने इस प्लेस को अच्छे से डिजर्व करता है, मतलब मैं फोर्थ पोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो बात हुई अपने यूनो के बारे में, अब हम लोग थर्ड पोजीशन में जाते हैं जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर है आस्था। इस बंदे के पास एक भी इत्तू सा भी मैजिक नहीं है बट ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ एंटी मैजिक एंड लिवे वो डेविल जिसके साथ आस्था ने अभी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट आस्था अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। आस्था के स्ट्रांग होने का एक और रीजन है कि वो उस डेविल मतलब लिवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद डेविल यूनियन मोड में भी जा सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ये एंटी मैजिक है। अगर ये कोई और मैजिक होता तो मैं इसको इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोलता बिकॉज वो इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, बट ये एंटी मैजिक है मतलब ये सभी मैजिक को अच्छे से पेल सकता है, इसके सामने कोई भी मैजिक टिक नहीं सकता। That's why अपना मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग अभी बन चुका है। एंड इसके साथ साथ आस्था ने अभी जेटन को भी मास्टर कर लिया है, जो आपको पता नहीं है तो आप लोग मांगा रीड कर लेना या फिर आप लोग कमेंट में बता दो तो मैं पुराने चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे इन सभी के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आस्था ने जेटन को भी मास्टर कर लिया है जिसकी वजह से आस्था और भी अच्छे से एंटी मैजिक को फ्रीली यूज कर सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आस्था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर टू के पास। नंबर टू में जो कैरेक्टर है या फिर बोल लो डेविल है उसका नाम है लुसिफेरो। आपने सोच लिया होगा बिकॉज ये डेविल किंग है, बिकॉज ये डेविल किंग है, किंग ऑफ द डेविल्स लुसिफेरो एंड इसके पास एक्सट्रीमली फिजिकल स्ट्रेंथ है। ये मैंने क्यों पहले बोला आई डोंट नो। इसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से कूटा था ज्यादातर मैजिक नाइट्स को एंड आस्था को भी अच्छे से ही पेला था। और अगर हम लोग बात कर ले इसके मैजिक के बारे में तो लुसिफेरो के पास है ग्रेविटी मैजिक एंड ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ जो इसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ओवर पावर्ड कैरेक्टर बना देता है। मुझे अच्छे से अभी वो पैनल याद है जहाँ पे इस कैरेक्टर ने ज्यादातर मैजिक नाइट्स को अच्छे से मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से कूटा था एंड उनको भी समझ में आ गया था कि अपने से ना हो पाएगा बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ऊपर है, अगर इसके साथ फाइट करने गया तो ये मेरी गांड मार के रख देगा। मतलब हम लोग वापस सिर्फ देखते हैं लुसिफेरो का रोला एंड हमने मांगा में देखा था कि लुसिफेरो को आस्था ने कैसे हराया था। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि लुसिफेरो को आस्था ने कैसे हराया था तो
तो आप लोग बता दो, मैं उन चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो ला दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करो तो जल्दी से कमेंट कर दो जिसको भी देखना है। ये तो बात मैंने कर लिया है लूसीफेरो मतलब नंबर 2 के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 1 के बारे में। एंड आपको पता है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, और सबको ही पता है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर। मैं बात कर रहा हूँ लूसियस विद आस्ता रोड। हमें ये मांगा में टीज कर दिया गया था कि आस्ता रोड के पास टाइम मैजिक था एंड वो अंडरवर्ल्ड से गायब हो जाता है। हमें ये मांगा में बताया गया था कि लूसियस के साथ आस्ता रोड का डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट लूसियस या फिर बोलो जूलियस ये दोनों ही टाइम मैजिक का यूज कर सकते हैं। एंड आस्ता रोड के बारे में बात करूँ तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है एंड ये 3 सुप्रीम डेविल्स में से एक है जिसके पास टाइम मैजिक है। एंड आप लोग सोचो टाइम मैजिक मतलब कितना ज़्यादा ब्रोकन मैजिक है। आप टाइम को स्टॉप कर सकते हो, टाइम को रिवर्स कर सकते हो, आप किसी भी इंसिडेंट को होने से रोक सकते हो। एंड इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग या फिर बोलो इससे ज्यादा ब्रोकन पावर क्या है। एंड हमने मांगा में देखा है कि लूसियस स्पेशल मैजिक, ग्रेविटी मैजिक एंड टाइम मैजिक, इन तीनों मैजिक को यूज करता है। एंड इसके साथ साथ लूसियस अपने सोल मैजिक की वजह से खुद को प्यूरिफाई कर लेता है एंड एक नई रेस क्रिएट करते हैं जिनको बोला जाता है पैलाडिन्स, जो इन लिस्ट में भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज वो पैलाडिन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड ये तो उसका बाप है या फिर बोल लो बाप ही बोल लो, बिकॉज लूसियस ने ही तो उनको क्रिएट किया है। तो आप लोग समझ सकते हो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि इसके पास गॉड लेवल की मैजिक पावर है। ये कैरेक्टर इंसानी शरीर को क्रिएट कर सकता है, जो लोग पहले मर चुके हैं उनको रिवाइव कर सकता है। ही कैन डू एनी थिंग, इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। दैट्स व्हाई ये बंदा डिजर्व करता है नंबर 1 पोजीशन में रहना, बिकॉज इसको हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। आप लोग बोलेंगे आस्था तो इसको हरा सकता है, नहीं मैं अभी बोलूंगा आस्था अकेले इसको नहीं हरा सकता, बिकॉज ये बंदा सच में गॉड है। इसके पास गॉड लेवल पावर्स है एंड ही कैन किल आस्था एनी टाइम। तो ये थी आज की मेरी लिस्ट। मैंने आपको इन 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इनके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है कि ये सभी कैरेक्टर्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है आप लोगों को समझाने के लिए। एंड अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हो या फिर एडजस्ट करना चाहते हो मेरे लिस्ट में, तो आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इंट्रो का माल है। तो ये थी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, और अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।